कुम जी, आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप अपने घर में खुश और आबाद होंगे, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। तो जी, आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी रेसिपी बनाएंगे। ये चिकन कड़ी जो ख़ास करके इंडिया में बहुत पसंद की जाती है, तो झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास है मुर्गी आधा किलो, ठीक है जी। और यहाँ पर मेरे पास है नॉर्मल दो प्याज, ना बड़े ना छोटे। अच्छा जी, यहाँ पे धनिया 1 कप, ठीक है जी। इसमें धनिया ज़्यादा जाएंगे। उसके साथ मैंने रखी है 2 हरी मिर्च, ठीक है जी, वो हम डालेंगे लास्ट में, ठीक है जी। यहाँ पे नॉर्मली 2 टमाटर है, ठीक है जी। इसको मैं पहले करूँगी ग्राइंड, फिर हम डालेंगे। और जी यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, वो मैं बना के रख देती हूँ फ्रिज में, 1 महीने तक मेरा आराम से चल जाता है। अगर आप करना चाहो तो ये, वरना फ्रेश भी डाल सकते हो, ठीक है जी। इससे भर के हम 1 चमचा डालेंगे। और जी यहाँ पे ऑयल जाएगा। अच्छा जी, स्पाइसेस में जाएंगे जीरा आधा चम्मच, धनिया 1 बड़ा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च कूटी हुई है मेरे पास वो आधा चम्मच, नमक हसबे जायका, और जी यहाँ पे जाएगा काली मिर्च, उससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है, ठीक है जी। और ये झटपट रेसिपी और इजी। अच्छा जी, ये जायफल जावित्री है, ये वाला जो है ना, इसकी शक्ल है, तो ये उसका पाउडर है, मैं बना के रखती हूँ ये वाली है, ठीक है जी। इस फॉर्म में ये निकलती है जी। यहाँ पे मेरे पास है दही आधा कप, ठीक है जी, बिल्कुल ही गाढ़ी ज़बरदस्त। और जी थोड़ा सा लास्ट में हम डालेंगे गरम मसाला। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे पास है लेमन, 1 बड़ा वाला लेमन है। मैंने प्याज इससे काटे, मुझे अच्छा लगता है इससे काटने से, क्योंकि इतनी बारीक और ज़बरदस्त होती है। अगर आप चाहो जिसे हम अंडे में डालते हैं उसी शेप दे के आप वो भी काट सकते हो, नहीं तो आप जिसे नॉर्मली हम काटते हैं, लेकिन बिल्कुल बारीक काटना है, मोटे मोटे नहीं काटने। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने तई को चढ़ा दिए। और जी उसके साथ हम डालेंगे ऑयल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तकरीबन आधा कप, ठीक है ना, आधा कप से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमें इसमें जो है ना मुर्गी को फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं कुक करना, ठीक है जी। अब मैंने सारे डाल दिए, इसको हम थोड़ा फ्राई करेंगे, फ्राई करके निकालेंगे, क्योंकि कढ़ी का मतलब थोड़ा ये होता है, तो डिफरेंट बनेगी और बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त बनेगी, ठीक है जी। यहाँ पे हम इसको नॉर्मली पहले मैं करूँगी इसमें फ्राई, ठीक है जी। आधा कच्ची आधा पक्की छोड़नी है इसमें, जैसे इसका कलर चेंज होगा तो हम इसको पलटेंगे अभी। अच्छा जी, यहाँ पे हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे जब तक इसका कलर चेंज ना हो तब तक हम इसको हाथ नहीं लगाएंगे, फिर जब इसका कलर चेंज होंगे तो फिर हम इसको थोड़ा पलटेंगे भी और फ्राई भी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए इसका कलर ज़बरदस्त माशाल्लाह हो गया है, तो अभी हम इसको पलटेंगे और ज़्यादा कुक नहीं करना जिससे ये टूट ना जाए, ठीक है जी। हम थोड़ा सा इसको पकाएंगे जिससे इसका जो कलर है ना वो थोड़ा चेंज हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे हमें तब तक पकाना है जिसका जो है पानी है ना वो सूख जाए। और जी यहाँ पे ढक्कन नहीं देंगे हम, ढक्कन देंगे तो पानी फिर सूखेगा नहीं, ठीक है। थोड़ा आँच को हम कर देंगे तेज़। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी सूख रहा है ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे, ठीक है जी। और यहाँ पे देखिए ऊपर से इसका कलर भी आ गया, तो यहाँ पे मैं निकालूंगी इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। यहाँ पे सारी हमें निकालनी है। अच्छा जी, यहाँ पे ऑयल ज़्यादा था तो मैंने थोड़ा निकाल दिया, तो यहाँ पे मैं डालूंगी इसी ऑयल में प्याज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने मुर्गी सारी निकाल दी, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये कलर चेंज हो रहा है इसका। अच्छा जी, यहाँ पे मैं हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है जी। इसको ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, ये वाला कलर सही है। और अभी इसके साथ हम डालेंगे स्पाइसेस, उसके बाद हम डालेंगे मुर्गी। अच्छा जी, यहाँ पे हम डालेंगे स्पाइसेस में, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाल मिर्च आधा चम्मच, नमक हसबे जायका, और जी यहाँ पे हल्दी आधा चम्मच से भी कम, और छोटा चमचा तकरीबन आधा चम्मच, बड़ा चम्मच यानी कि तीसरा हिस्सा, ये भर के हम डालेंगे धनिया पाउडर। और जी हम डालेंगे इसमें जीरा, सेम ही क्वान्टिटी की सारी चीज़ें डालेंगे, सिर्फ धनिया हमें ज़्यादा डालना है, ठीक है जी। अभी हम इसको करेंगे मिक्स। मसालों को मैंने पकाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी मैं डालूंगी मुर्गी, ठीक है जी। थोड़ी मुर्गी को करेंगे हम भुनाई। अच्छा जी, यहाँ पे ग्राइंड हो गया, ठीक है जी। और अगर आप चाहो तो आप वो डायरेक्ट भी साबित भी डाल सकते हो छोटे छोटे करके, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है, जल्दी काम हो जाता है इससे।
की बुनाई कंप्लीट हो गई। तो अभी मैं डालूंगी टमाटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो टमाटर डालेंगे और जी उसको अच्छी तरीके से पहले हम पकने देंगे जी। अभी इसको मैं दूंगी ढक्कन, थोड़ा टाइम ये स्टीम में पलकेगा। माशाल्लाह यहाँ पे देखिए ऑयल ऊपर आ गया है। अच्छा जी यहाँ पे देखिए टमाटर भी मिक्स हो गया, उसका पानी भी बिल्कुल ही खुश्क हो गया, और यहाँ पे देखिए ज़बरदस्त खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। तो अभी मैं डालूँगी इसमें दही, लेकिन थोड़ा पहले हम इसको पकाएंगे। अच्छा जी थोड़ी मैंने तेज़ आंच कर ली, और जी इसको अच्छी तरीके से हम करेंगे भुनाई, जैसे जो इसका मसाला है वो अच्छी तरीके से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, खुशबू भी माशाल्लाह बहुत ही प्यारी आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती होंगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और जी नए तो सब्सक्राइब भी किया करें, और जी कोई फरमाइश हो तो वो भी मैसेज में बताया करें कमेंट्स में, तो वो मैं इंशाल्लाह आपकी पूरी करूँगी। तो अभी फाइनल देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया। यहाँ पे देखिए मसाला इसका मिक्स हो रहा है, ये जहाँ पे जा रही है मुर्गी वहाँ पे इसके मसाला जा रहा है। तो अभी मैं डालूँगी इसमें दही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप हम डालेंगे इसमें दही, ठीक है जी। और ये यहाँ पे इसको हम करेंगे मिक्स, और दही का भी खुद का भी पानी निकलेगा, ठीक है जी। यहाँ पे अच्छी तरीके से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया है, ठीक है जी। मसाला भी मिक्स हो गया, भुनाई भी अच्छी तरीके से। तो यहाँ पे मैं डालूँगी आधा कप पानी, ठीक है जी। पानी डालने से ये होता है कि जो आपका मसाला है ना वो अच्छी तरीके से पक जाएगा। 5 मिनट हम इसको हल्की आंच पे छोड़ देंगे, ढक्कन देके, जिससे वो अच्छी तरीके से जो मुर्गी है और भी कच्ची होगी ना तो वो पक जाएगी। अच्छा जी इसके साथ ही मैं हरा धनिया, हरी मिर्च। अच्छा जी यहाँ पे मैं 2 लेमन डालूंगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर बड़े हैं तो एक ही सही है, अगर छोटा है तो आप 2 डाल दें, ठीक है जी। यहाँ पे मेरे पास है बड़ा लेमन, तो मैं एक ही डालूंगी निचोड़ के, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी यहाँ पे मैंने गरम मसाला डाल दिया, अभी हम इसको करेंगे और भी मिक्स, ठीक है जी। और जी माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी। अभी फाइनली हम जो बकाया धान जो मैंने बचा के रखे थे वो मैं थोड़ा डालूंगी इसमें, सही है। अच्छा जी आकर मैं थोड़ा सा मैं जायफल, जावित्री मेरे पास है तो मैं डालूंगी, अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अभी हम इसको करेंगे थोड़ा मिक्स, ठीक है जी। अभी मैं करूँगी इसको थोड़ा टाइम। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी हो गया, और ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, और जी ग्रेवी भी परफेक्ट तैयार हो गई है। तो अभी मैं इसको करूँगी बंद, और जी यहाँ पे करेंगे हम डिश आउट, और ऑयल भी ऊपर आ गया है अच्छी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसकी ग्रेवी चेक करें। तो जी यहाँ पर हमने किया डिश आउट, और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी यमी ग्रेवी, बहुत ही परफेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ मेरी छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर किया करें, और बना के खाया करें, और जी कमेंट्स में बताया करें तो कैसी बनी है। तो जी मेरे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी दबाया करें, जैसे मेरी वीडियो की नई नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।